हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर आज एक नई सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा राजीव गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल कर दिया है लोकार्पण। आपको बता दें 3.99 करोड़ रुपए इसकी तैयारी पर खर्च हुए हैं। समारोह के अंदर कलेक्टर हनुमानगढ़ कानाराम के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में बहुउद्देशीय इंडोर हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इंडोर हॉल का निर्माण कार्य रुडसिको एजेंसी द्वारा 14,345 वर्ग फुट के अंदर किया गया है। यहाँ पीजू सिंथेटिक फ्लोर एवं बास्केटबॉल बैडमिंटन वॉलीबॉल टेबल टेनिस के लिए खिलाड़ियों को यहाँ एक तरह से अपना हुनर खिलाड़ने का मौका भी मिलेगा, हुनर निखार सकेंगे। साथ ही महिला पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग अलग शौचालय, चेंजिंग रूम, शावर रूम, कोच रूम, ऑफिस, स्टोर, स्वागत कक्ष जैसी अन्य ऐसी बहुत सी सुविधाएं हनुमानगढ़ के अंदर दी गई हैं। चलिए सुनते हैं इस मौके पर खिलाड़ियों का क्या कहना है और बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारी का इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। मल्टीप्लेक्स इंडोर हॉल का जो उद्घाटन हुआ है मंत्री साहब ने किया है, उसके लिए हमारी जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं खेल पर बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और यहां से नई नई प्रतिभाएं और मिलेगी। इसमें तो ये है ना कि अभी ऐसे इस प्रकार का हॉल अपने कहीं भी एरिया में नहीं था और सबसे ज़्यादा जो प्रतिभाएँ ऊपर निकली हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड को ले लो, पाँच अर्जुन अवार्ड इसी शहर ने, इसी डिस्ट्रिक्ट ने दे चुका है, लेकिन इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं थी। अभी भी हमारे पास अगर सिंथेटिक ट्रैक और एक बास्केटबॉल हॉल के अंदर मूवेबल पोल आ जाएं और एक हमारा एस्ट्रोटर्फ ये हॉकी का बन जाए तो इस जिले की प्रतिभाएं और आगे निकलेंगे। खेलो इंडिया योजना में हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी द्वारा हनुमानगढ़ में करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम में 14,345 वर्ग फुट का हॉल है, जिसमें पीयू सिंथेटिक फ्लोर का बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं टेबल टेनिस आदि खेले जा सकते हैं। इसके साथ ही लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम है, शौचालय है और शावर लेने तो 2 शावर रूम की सुविधा भी दी गई है। निश्चित रूप से मैं इन सब खिलाड़ियों के लिए, सुविधाओं के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।